हदीसे मौला भी कह रहा है, वो जिक्रे लैला भी कर रहा है। वो हाथ जिसमें किताब भी है, वो हाथ सागर भी भर रहा है। पुरानी शिराजा बंदियों का निजाम बातिल बिखर रहा है। बुखारी तकरीर कर रहा है, बुखारी तकरीर कर रहा है। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लहने दाऊदी में तकरीर कर रहे हैं। लोग साके तो जामिद हैं, लोगों के इस जम्मे गफीर में हिंदू, सिख और मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अचानक मजमे में से एक काफिर नमूदार होता है। वो ये सोच कर आया होता है कि लोग शाहजी शाहजी का दम भरते हैं। मैं आज इस मजमे में एक ऐसा सवाल करूंगा कि लोग शाहजी शाहजी कहना भूल जाएंगे। हमने बदला है जमाने में मोहब्बत का मिजाज, हमने हर दिल को नई राहो नवा बख्शी है। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये बात यहाँ से शुरू होती है कि जब किसी दौर में कराची की तहरीक खत्म नबूवत के नाज़िम आला राना मोहम्मद अनवर रहमतुल्लाह अलैह थे। एक मरतबा उन्होंने रायवेंड में सालाना तबलीगी इज्तमा में शिरकत की। वापसी पर वो अपने अजीज के यहाँ लाहौर में ठहरे, जहाँ उनकी मुलाकात एक सैयद साहब से हुई जिसका नाम सैयद इफ्तखार शाह साहब था। बातों बातों में इफ्तखार शाह साहब फरमाने लगे, खत्म नबूवत के मसले में जितनी कुर्बानी सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दी है उसका बयान करना मुश्किल है। राना साहब चौंक उठे, फरमाने लगे, इफ्तखार शाह साहब, क्या आप अमीर शरीयत के बारे में कुछ जानते हैं? राना साहब के इसरार पर इफ्तखार शाह साहब ने अपनी जुबानी ये वाकया कुछ इस तरह बयान किया है। फरमाते हैं, एक मरतबा शाहजी रियासत पटियाला में तकरीर करने आए। उस वक़्त मेरी उम्र तकरीबन 18 बरस थी। मैं शाहजी की तकरीर बड़े शौक से सुनता था। मुझे अगर मालूम हो जाता कि शाहजी की तकरीर फुलां जगह है तो मैं वहां जरूर जाता, चाहे मुझे पैदल ही क्यों ना जाना पड़े। मैंने शाहजी के जलसे में शिरकत के लिए 20-20 मील पैदल सफर किया है। रियासत पटियाला में तकरीर शुरू हुई। मजमे में एक सरदार बिल बेर सिंह SP सुपरिटेंडेंट, जो के बावर्दी थे, वो भी शिरकत के लिए आए हुए थे। उन्होंने सोचा कि चले हम भी देखते हैं कि शाहजी कौन है। ऐसे ही लोग शाहजी शाहजी कहते हैं। आज बड़े मजमे में ऐसा सवाल करूंगा कि लोग शाहजी शाहजी कहना भूल जाएंगे। सो उसने वैसा ही किया और स्टेज पर चढ़कर शाह साहब से सवाल किया, शाहजी मैंने सुना है कि आप सैयद हैं। शाह साहब ने फरमाया, नहीं भाई, मैं तो सैयदों की जूतियां सीधी करने वाला हूँ। इतने में SP सुपरिटेंडेंट सरदार बिलबेर सिंह ने कहा कि शाहजी मैंने सुना है जो सैयद हो उसे आग नहीं जलाती। मजमे में शोर बरपा हो गया। काजी एहसान अहमद शुजाबादी भी शाह साहब के हमराह थे। उन्होंने सरदार बिलबीर सिंह से कहा, मजमे में करामत दिखाने की इजाजत नहीं है। शाहजी ने मौलाना एहसान अहमद से कहा, मौलाना साहब आप खामोश रहें, अगर ये सवाल कोई मुसलमान करता तो और बात थी, ये एक गैर मुस्लिम ने सवाल किया है और किया भी मुझसे है, इसका जवाब भी मैं ही दूंगा। चुनाचे शाहजी ने सरदार बिलबीर सिंह सुपरिटेंडेंट के आगे अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। उसने अपने एक मुहाफिज से कहा कि आग लेकर आओ। वो आग लेकर आया। उसने आग से दहकते हुए अंगारे शाह साहब के हाथ पर रख दिए। शाह साहब अंगारे दोनों हाथों में लिए खड़े रहे। सारा मजमा हैरान रह गया। शाहजी ने उस वक्त तक हाथ नहीं नीचे किए यहां तक कि गुजरते गुजरते 5 मिनट गुजर गए। तकरीबन 5 मिनट बाद सरदार बिलबीर सिंह ने कहा, अब अंगारे फेंक दें, मुझे अपने हाथ दिखाएं। शाह साहब ने दोनों हाथ सरदार बिलबीर सिंह के सामने कर दिए। वो फौरन हाथों को चूमकर शाह साहब के गले लग गया और कहा, शाहजी मेरे सीने में भी आग लगी हुई है, खुदा के लिए इसे भी ठंडा कर दें और मुझे कलमा शहादत पढ़ा दें। शाह साहब ने उसी वक्त उसको कलमा पढ़ाया और वो सरदार बिलबीर सिंह सुपरिटेंडेंट उसी वक्त मुसलमान हो गया। मोहतरमा ज़िनकराम, इस वाक़े में एक और बात काबिले ज़िक्र है, वो है किसी अल्लाह के वली से करामत का जहर हो जाना। करामत पर बहुत से लोग एतराज़ करते हैं, लेकिन हमारी उम्मत का एतदाल पसंद तबका इस बात पर मुत्तफिक है कि कश्फ, इल्हाम या किसी गैबी बात का इल्म हो जाना
ये अल्लाह की तरफ से होता है और जब अल्लाह चाहे होता है। ये चीजें ना तो जाती होती हैं और ना ही दायमी। याकूब अलैहिस्सलाम को फलस्तीन में बैठे हुए मिस्र में मौजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज की खुशबू आ गई, मगर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके बिल्कुल करीब कुएं में थे तो बिल्कुल पता ना चला। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदर में दुश्मनों की कतलगाहों की वही से इतला हो गई, मगर एक बार चंद दुश्मनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 सहाबा को धोखे से ले जाकर शहीद कर दिया, मगर आपको दुश्मन के इस इरादे की इतला ना हुई। वजह यही है कि मुअज्जा, कश्फ और करामत अल्लाह के हुक्म से होती है, और जब अल्लाह चाहे तब ही होती है और जब अल्लाह ना चाहे तो नहीं होती। इसी तरह कई लोगों का नजरिया है कि खत्म नबुवत के बाद कश्फ व करामात पे अल्लाह ताला ने पाबंदी और बंदिश ऐद कर दी है। ये बिल्कुल बेदलील और गलत बात है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफीक बख्शे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।